हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका टॉप शेयर टूडे चैनल में स्वागत है। आज बाजार में ऐतिहासिक दिन है जहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। जहां बाजार में एक तरफ डर भी लग रहा है कि बाजार में ऊपरी लेवल पर किसी भी समय मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, तो वहीं पर स्टॉक में कमाई के दमदार मौके भी मिल रहे हैं, जैसे कि SJVN में बेहतरीन तेजी। आज हम इस स्टॉक के फ्यूचर में क्या टारगेट बनेंगे और स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करें, ये सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टॉक के वॉल्यूम पर ध्यान दे तो आज के दिन स्टॉक ओपन हुआ 94 रुपए 85 पैसे। स्टॉक ने हाई लगाया 99 रुपए 70 पैसे और अभी स्टॉक करंट लेवल पर 98 रुपए 15 पैसे पर ट्रेड कर रहेगा। अपने हाई से लगभग स्टॉक 2 रुपए की गिरावट दिखा चुकाएगा। स्टॉक के वॉल्यूम की बात करें तो स्टॉक अभी 25,22,926 क्वाड्रेंटी बायर्स की देखने को मिल रही है, तो वहीं पर अगर हम सेलर्स की क्वाड्रेंटी देखें तो लगभग 71,78,496 क्वाड्रेंटी देखने को मिली है, तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स के नंबर्स का लगभग 3 गुना है। अगर हम ट्रेड वॉल्यूम पर ध्यान दें नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 5,54,50,599 क्वाड्रेंटी देखने को मिली है, तो काफी बड़ी मात्रा में स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है और एक लिक्विडिटी के साथ है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि स्टॉक में कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी आने वाले हैं और इस स्टॉक में लगातार ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और काफी बड़े बड़े सौदे इस स्टॉक में देखने को मिले हैं। स्टॉक का चार्ट पैटर्न में देखें तो स्टॉक में पहले हाई था 81 रुपीज, 81 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक का हाई था, पर जैसे ही स्टॉक ने 81 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दिया गया, स्टॉक में एक लाइफ टाइम हाई बन चुका है 99 रुपीज 30 पैसे। 99 रुपीज 30 पैसे के इस स्टॉक में अब डबल टॉप बॉटम बन चुका है। स्टॉक में 2 बार सेम प्राइस को टच कर रहेगा। अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ले लेता है, यानी 100 रुपीज के पास स्टॉक बंद होता है आज के दिन, तो स्टॉक में कल के दिन एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नीचे का सपोर्ट लेवल है 89 रुपीज, 89 रुपीज इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि स्टॉक काफी टाइम से इस प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहेगा, पर अब स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 89 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 135 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।